भोजपुर जिले के कोइलवर, उदवंत नगर, बढ़ारा, आरा सदर प्रखंड के किस पंचायतों में केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत DPR बनाने का कार्य किया जा रहा है? भूमि संरक्षण विभाग भोजपुर की ओर से इस योजना अंतर्गत तालाब, चेक डैम, मिट्टी बांध, सिंचाई कूप, बागवानी के अलावा समूह में BPL परिवारों को बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, सिलाई बुनाई जैसे स्वरोजगार दिलाया जाएगा। साथ ही किसान भाइयों को जैविक खेती के गुण सिखा जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करना भी मुख्य कार्य है। संरचना निर्माण से जहां खेती के लिए उचित सिंचाई का साधन उपलब्ध होगा, साथ ही भूमिगत जल स्तर भी बढ़ेगा। मोमबत्ती भी बनाना सिखाते हैं, ग्रुप में महिलाओं रहकर मोमबत्ती भी बनाए, और उसके बाद में अगरबत्ती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब हमारे समूह की महिलाएं करती थी वहाँ पर, वहीं हम लोग यहाँ पर भी करवाएंगे, ठीक ना? उसका ट्रेनिंग भी करवाएंगे हम लोग। और इस प्रकार का योजना है उसके साथ जो जिनके पास जानवर है, बात सुनिए ना गौर, और सारे लोग के बारे में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, सीधे जहर, जो रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं वो भी जहर है, उसमें जो दवा डाल रहे हैं पेस्टिसाइड कीड़ा मारने के लिए वो भी पूरा जहर है, उसी को हम लोग खा रहे हैं। धीरे 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 बीमार होते जा रहे हैं। अभी आप देखिएगा बीमारी का जो पहले जो तुलना है, लोगों के बाबू जी और दादा दोनों को बीमार, अभी बीमारी का संख्या जो है लोगों का वो बढ़ते जा रहा है, उसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि हम लोग जहर खा रहे हैं चीज़ें। उसके लिए सरकार आपको केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट खेती के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है, उसके लिए हमारे विभाग के तरफ से, भूमि संरक्षण विभाग के तरफ से आपको वर्मी खाद, जैविक खाद बनाने के लिए बेड का निर्माण कराया जाएगा, उसमें भी 90% का अनुदान है। उसमें 500 खाना होगा, उसमें एक प्रकार का जो आप गोबर डालते हैं वो गोबर केवल पुराना होना चाहिए, 15 दिन कम से कम 15 दिन का पुराना गोबर को उठा के उसमें डालना है, और उसमें एक केचुआ होता है, ऑस्ट्रेलियन केचुआ आपको बताया, अलग प्रकार का होता है, जो क्या करेगा पूरा गोबर और जो गाय का तार वोर है ना सबको खा के चाय पत्ती जैसा एकदम भुरभुरा तरह का कर देगा, वो आपका खाद हो जाएगा। और कम से कम आप जो अभी सारे लोग गांव के जो लोग हैं, 1 कट्ठा 2 कट्ठा अपने खाने के लिए जरूर खेती करते हैं, बाजार से बहुत कम लोग सब्जी खरीद के लाते हैं, अपने खाने के लिए तो निश्चित सब कोई खेती कर रहा है, कोई गोभी उगा रहा है, कोई आलू उगा रहा है, कोई धनिया का पत्ता किया है, कोई मूली किया है, सब कुछ कर रहा है अपने खाने के लिए। तो उससे आप लोग जैविक खाद से खेती कीजिए अपने खाने के लिए, उससे क्या होगा कि ना उसमें आपको किसी प्रकार का जहर डालना होगा और ना किसी प्रकार का रासायनिक खाद डालना होगा, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। हमारा एक नया योजना आया है, उसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वर्षन उसका 2.0 है, उसके अंतर्गत आपको कृषि कार्य हेतु कुछ संरचना का निर्माण करना है, उसके बाद जो गरीब लोग हैं उसके लिए समूह बना के उसको भी स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा राशि स्थानांतरित है, और जो योजना बनाना है आपको संरचना का जो निर्माण करना है, तालाब का निर्माण है जिसमें 90% का अनुदान है, तालाब का साइज इसमें 3 प्रकार का है, 100 बाई 150, 100 × 66 और 66 × 66 का है, 3 प्रकार का तालाब है, उसमें से सिंचाई के लिए आपको सिंचाई कुआं है 10 फीट चौड़ा, 30 फीट गहरा वाला कुआं है, 15 फीट का कुआं है और 20 फीट का भी कुआं है, इसलिए आपका सिंचाई हो सके, दोनों सीजन में हाइब्रिड।